आपका एग्री सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। ये रिद्धि सिद्धि चौराहे पर डॉक्टर आर एस सर के द्वारा संचालित है। इसके अंदर आप लोगों को आज बायोलॉजी की क्लास में मैं सबसे पहले आप लोगों को सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन। आज अपना टॉपिक सबसे पहले बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिकों के रूप में। आपको यूट्यूब पे यहाँ पर ये चैलेंज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग इसको कंटिन्यू सर से लगातार जुड़े रहिए। आप यहाँ पर आज सबसे पहले अपन देखते हैं कि शुक्र जनन की क्रिया, शुक्र जनन बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन की क्रिया का मतलब हुआ कि शुक्राणु का निर्माण होना। शुक्राणु एक नर युग्मक है और इस नर युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है, इस चीज को अपन एक आरेख के द्वारा समझते हैं, जिससे कि थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रीमोर्डियल सेल्स है। ये एक प्रीमोर्डियल सेल्स क्या है, ये एक प्रीमोर्डियल सेल्स है। इस प्रीमोर्डियल सेल्स के अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ तो एक सेल से कितनी बनी, दो सेल बनी। एक सेल से कितनी बनी, दो सेल बनी। फिर दो सेल से कितनी बनेगी, चार सेल्स बनेगी। इस तरह से ये विभाजन कई बार होता रहता है और इससे विभाजन होने से जो सेल्स बनती है वो सेल्स कहलाती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया। यहां पर ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है, यानी शुक्र जनन की क्रिया का पहला चरण आपका कंप्लीट। नाउ चरण का नाम होगा आपका गुणन अवस्था। क्या नाम होगा, गुणन अवस्था, बोले तो मल्टीप्लेस फेज अवस्था। यहां पर मल्टीपल इस फेज के अंदर अपन देखें तो इसके बाद में जो एक स्पर्मेटोगोनिया, कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करता है और दुगुना हो जाता है। आकार में वृद्धि करके क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, लेकिन डिवीजन किसी प्रकार का नहीं होता है। और ये आकार में वृद्धि करके दुगना होने पर बना उसका नाम हो गया आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। यह अवस्था कहलाती है वृद्धि अवस्था। क्या कहलाता है, वृद्धि अवस्था। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर उसके बाद में यहां पर डिवीजन होता है और वो डिवीजन कहलाएगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, बोले तो मियोसिस फर्स्ट विभाजन होने से इस सेल में डिवीजन हुआ और उससे दो हैप्लोइड सेल्स बनती है। इससे कितनी, दो हैप्लोइड सेल्स बनती है। ये दो हैप्लोइड सेल्स इस तरह से बनती है, राइट, समान दो हैप्लोइड समान कोशिकाएं बनती है। इन दो समान कोशिकाओं को कहते हैं आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर डिवीजन होता है और डिवीजन होने से, और ये डिवीजन कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी मियोसिस सेकेंड। कौन सा विभाजन, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड विभाजन होने से चार अगुणित, चार हैप्लोइड समान सेल्स बनती है और इन चारों सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड, राइट। यह अवस्था कहलाती है आपकी परिपक्वन अवस्था। क्या कहलाती है, परिपक्वन अवस्था, मैच्यूरेशन फेज, राइट। परिपक्वन अवस्था के अंदर स्पर्मेटिड बनते हैं। ये स्पर्मेटिड गोल, अचल और नॉन मोटाइल होते हैं, राइट। यहां पर इस स्पर्मेटिड के अंदर देखें तो ये स्पर्मेटिड फिर उसके बाद में चार स्पम में बदल जाता है। कितने स्पम में, चार स्पम में बदल जाता है ये, इस तरह से इनको कहते हैं स्पम।
क्या कहते हैं? स्पर्म। इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से या एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से चार स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो चार स्पर्म्स जो बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका तैयार होकर के आता है। सबसे पहले अब अपन इस आरेख को देखते हैं और इससे रिलेटिव आपके जो जेट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया किसे कहते हैं, यानी शुक्रजनन की क्रिया, यानी स्पर्म का निर्माण होना शुक्रजनन की क्रिया कहलाता है, राइट। उसके बाद में बात करते हैं कि शुक्रजनन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो अपन कहेंगे कि साहब ये तीन अवस्थाओं में पूर्ण होती है। नाउ फर्स्ट नेम इज ए गुणन अवस्था, दूसरा है वृद्धि अवस्था और तीसरा है परिपक्वन अवस्था। फिर तीसरी बात कहते हैं कि शुक्रजनन की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया के निर्माण के समय कौन सा विभाजन हुआ, तो आपको सामने दिख रहा है समसूत्री विभाजन। नाउ बात करें फिर उसके बाद में कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तब कौन सा विभाजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। फिर अब क्वेश्चन बनता है कि स्पर्मेटिड के निर्माण के समय स्पर्मेटिड का निर्माण कौन से विभाजन से हुआ, तो मियोसिस सेकंड से, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से, राइट। किससे हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हुआ। नाउ यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होना क्या कहलाता है, यह कहलाता है शुक्र कायांतरण, यानी स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। अब अपन इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखते हैं। आप सोचोगे कि यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं भाई, बनाने वाला है अगर चाहे तो। यहां पर अपन सबसे पहले बात करें तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, जरा वो जरा देख लीजिए। नाउ यहां पर सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो बनता है, सपोज कीजिए क्वेश्चन आता है कि साहब 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, क्वेश्चन है आपका 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे। तो आप एक चीज देखिए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, चार। कितने बनते हैं, चार। तो 50 से कितने बनेंगे, 50 × 4 कितने बनेंगे, 200 शुक्राणु, क्लियर। Now, दूसरा क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन की बात करें, इस तरह से आपके कई क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी, उस टेस्ट की सीरीज के अंदर जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वहां पर आपके 50-50 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज रखी जाती है एक एक टॉपिक के ऊपर। नाउ दूसरा क्वेश्चन बात करें तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्वेश्चन आता है कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो 50 से कितने बनेंगे। तो पहले आप यह देखिए कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, दो। एक से कितने बने, दो। तो 50 से भाई कितने बनेंगे, राइट, 100, क्लियर है। नाउ फिर बात करते हैं अपन यहां पर कि साथ 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कितनी बार। तो आप एक चीज देखिए कि चार शुक्राणु बनते हैं एक बार विभाजन होने से, तो 100 कितने बार में 25 बार, यानी 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तब आपके 100 शुक्राणु बनते हैं, राइट है। इस तरह से कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी बनते हैं जिसके बारे में अपन टेस्ट सीरीज में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।